हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मेरे चैनल उदय ट्रैवल ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड फेमस जगह सरस की, जो कि क्रिस्टल वर्ल्ड में सबसे फेमस है, पूरा वर्ल्ड में फेमस ही है। आप अगर दुबई गए होंगे तो देखेंगे वहाँ पे जो मेन वर्ल्ड के चीज़ें, जैसे ईरान का आपको कारपेट, तो ईरान के कारपेट रखे हैं, क्रिस्टल है तो वो लोग यहाँ के क्रिस्टल, जो कि सरस की का है, वो जो ऑस्ट्रिया में है। और ये देखिए उनका हेड ऑफिस, ये ऑस्ट्रिया में उनका हेड ऑफिस है, जो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज मौसम बहुत सुहाना और बहुत बढ़िया है एकदम, और चारों तरफ एकदम धूप खिला हुआ है, और वादियाँ तो देखने लायक, आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ, देखिए बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत सुंदर। यानी मेरे को ऐसा लगता है जैसे पिक्चर शूटिंग के लायक जगह है एकदम। आगे चलते हैं। ये क्रिस्टल वर्ल्ड का म्यूजियम है, अभी हम टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप क्रिस्टल वर्ल्ड देखने के लिए, इस क्रिस्टल वर्ल्ड के म्यूजियम देखने के लिए टिकट ले सकते हैं। और क्रिस्टल वर्ल्ड का जो हेड ऑफिस है वो ऑस्ट्रिया के इंसबुर्ग से 20 किलोमीटर दूरी पे है, जैसे आप बाइक कार बस से आ सकते हैं। ऑस्ट्रिया टूर के दूसरे दिन मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ आपको दिखाने के लिए क्रिस्टल वर्ल्ड। क्रिस्टल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्वारोव्स्की के लिए स्वारोव्स्की क्रिस्टल वेल्टन टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट का निर्माण आंध्र हेलर ने किया। यहाँ पे आर्ट म्यूजियम, स्वारोव्स्की पार्क, रिटेल स्टोर्स और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। ये स्वारोव्स्की जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है, और यहाँ पे आपने बहुत से बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग देखे होंगे, जैसे कि फिल्म चल मेरे भाई, उसकी मैक्सिमम शूटिंग यहीं पे हुआ था। बहुत ही फेमस और बहुत बढ़िया लोकेशन है पिक्चर के लिए। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्वारोव्स्की लिखा होगा वहाँ पे आपको, उस स्वारोव्स्की वो हेड ऑफिस है। उसके पीछे के पहाड़ देखिए कितना खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, इतना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस। बहुत मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब स्विट्ज़रलैंड और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे भी आप बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड टाइप महसूस कर सकते हैं जगह को। ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे कि खाली पानी का फाउंटेन है करके, लेकिन मेन चीज़ उसके अंदर एक गुफा टाइप बनाया गया, जो आप देख रहे हो ना पहाड़ टाइप, यह उसमें गुफा है, वहाँ एंट्री करते हैं। देखिए वो जो है ना एंट्री गेट है और वो एग्जिट गेट है, तो इसके अंदर अभी हम जाएंगे म्यूजियम के अंदर देखने के लिए। आइए चलते। अब हम क्रिस्टल वर्ल्ड के म्यूजियम के अंदर इंटर कर रहे हैं।
ये देखिए ये भी क्रिस्टल है, ये देख क्रिस्टल से इस घोड़े को सजाया गया है। डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये भी क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल वर्ल्ड ये जो वाला आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल वाला है, ऑस्ट्रिया में है, पूरा क्रिस्टल से बनाया गया है, उसे हम दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिस्टल है, ये देखिए डिफरेंट कलर के क्रिस्टल रखे हैं और उसी से ये पूरा वॉल को बनाया गया है, डिफरेंट कलर के क्रिस्टल से, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये जो क्रिस्टल है ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट क्रिस्टल्स, ये जो आप देख रहे हो ये इंडोर स्नो रूम या स्नो वर्ल्ड है जो स्वारोव स्की के लिए अलेक्जेंडर मैक्क्वीन ने बनाया था। ये जो आप देख रहे हो नेचुरल स्नोफॉल स्पार्किंग क्रिस्टल ट्री, अब हम इस स्नो रूम के अंदर प्रवेश कर आपको दिखाएंगे। अंदर बहुत ही ठंडा है, बाहर का टेम्परेचर गर्म होगा लेकिन यहाँ हमेशा ठंडा रहता है। और ये जो है ये आपको फ्रोस्टी विंटर फॉरेस्ट का एहसास दिलाता है। इसके अंदर साइलेंट लाइट और डिफरेंट टाइप के जो चीज़ है इसका निर्माण अलेक्जेंडर मैक्क्वीन ने किया था। बहुत ही ठंडा जगह है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। ये क्रिस्टल्स देखिए, आइए अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम लोग डार्क रूम में, जहां आपको ऐसा लगेगा हम किसी आसमान के नीचे खड़े हैं, रात का वक्त है और तारे चमक रहे हैं और डिफरेंट कलर के तारे चमकते हुए आपको दिखाई देंगे।
जैसे कभी ब्लू ये देखिए ब्लू स्टार्स, कभी रेड स्टार्स, ये सब क्रिस्टल के द्वारा बनाए गए हैं और प्रकाश पड़ने पर ये इस तरह से चमकते हुए तारों जैसे दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर के, बहुत बढ़िया है। मैं तो बहुत देर यहाँ पर खड़ा रहा, मज़ा लिया। अब हम इंटर कर रहे हैं हॉलीवुड सेक्शन में। ये हॉलीवुड सेक्शन है, यहाँ पे क्रिस्टल द्वारा निर्मित डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस, जो सब क्रिस्टल से निर्मित है। ये ड्रेस आप देख सकते हैं जैसे मार्लिन मैनरो ने अपने फिल्म में यूज किया था। यहाँ जितने भी जो कॉस्ट्यूम ड्रेस बनाए गए हैं ये सब हॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म सितारों ने फिल्म में यूज किया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा सिंड्रेला का सैंडल, रेड कलर का जो है। कैप ये भी क्रिस्टल से बनाया हुआ है। ये सैंडल, ये देखिए लॉन्ग शू, ये सैंडल, ये सब क्रिस्टल से बनाया गया। ये देखिए सैंडल लगा सैंडल, ये दिखाया गया कि जालीदार धूप में ये जो क्रिस्टल एक ऐसा चमकता है और किस तरह से कलर दिखाई देता है। जालीदार धूप तो नहीं है, जालीदार लाइट, ये सब उसी के इफेक्ट है कि किस प्रकार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब हम प्रवेश कर रहे हैं रेडी टू लव सेक्शन में। यह जो है ये इंडियाज स्टार डिजाइनर मनीष अरोरा ने स्वरूप इसकी के लिए काम किया था, उन्हीं के द्वारा बनाए गए चैम्बर का नाम रेडी टू लव रखा गया है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ भांगड़ा म्यूजिक सुनने को मुझे मिला, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इंडिया में हूँ। और ये जो जगह है ये विजिटर लोगों का बहुत ही पसंदीदा जगह है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं क्रिस्टल वर्ल्ड के लास्ट पार्ट में।